बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, हर एक लम्हा मोहब्बत के नाम करती हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत कलाम भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना चांदनी, वाह। सलाम करती हूँ, माशाल्लाह, ये मुशायरा इतनी अदब के साथ सुना जा रहा है जैसे कि ये मुशायरा दुबई में हो रहा हो वाकई, लेकिन जब दुबई के लोग मुशायरे को सुनते हैं तो कम से कम हाथ तो उठा देते हैं। मुझे लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं, पढ़ते हुए समाप्त फरमाएं जी, इरशाद इरशाद पढ़िए। पढ़ूं मैं? मेरे बड़े भाई जमशेद भाई का हुक्म है कि आप सतमलपुर में बिल्कुल नया कलाम पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे बच्चे आपकी हर वीडियो को देखते नहीं पूरा खंगाल डालते हैं। जी जी बिल्कुल, पढ़ते हुए समाप्त फरमाएं। तू बता क्या, तू बता क्या तेरा इरादा है, तू बता क्या, तू बता क्या तेरा इरादा है, किस लिए इसलिए नया तमाशा है, तू बता क्या, छोड़ कर मुझ को जाने वाले, छोड़ कर मुझको जाने वाले, छोड़ कर मुझ वाले सुन, गम मुझे तेरा कितना ज्यादा है, गम मुझे तेरा किस लिए ये। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं मैं आप ही के मिजाज की शायरी पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा हौसला बढ़े। बिल्कुल, पढ़ते हुए समाप्त फरमाएं। इरशाद, फिर नया जख्म दे रहे हो मुझे, जख्म पहले ही वादा ताज़ा है, जख्म पहले, क्या कहना चांदनी, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब है, तू बता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। इस गजल का दो शेर और है, लेकिन मेरा हौसला थोड़ा सा टूट जाता है, आप जानते हैं कि मेरी क्या मजबूरी है, मुझे लगे कि आप सब थोड़ा सा शरीक हो रहे हैं, पढ़ते हुए समाप्त फरमाएं। इरशाद, दिल भाई और अकमल अदीब साहब की बहुत ही अच्छी निजामत हो रही है, पढ़ते हुए समाप्त फरमाएं। बहुत अच्छा पढ़ रही है, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कैसा वादा है,
मातम है किस लिए ये। और एक मुकम्मल गजल में आप तक पहुंचाते हो समाप्त फरमाए मेरे बड़े भाई जेके मुशारा मीडिया और मुझे मुशारा मीडिया यहाँ तशरीफ फरमा है और मेरे छोटे छोटे जो मीडिया के लोग हैं वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी इनसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप लोग वीडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से उसको एडिट करके डाला करिए और प्लीज जिसकी वीडियो आप करें उसकी ही थंबनेल बनाया करिए, किसी और के साथ ऐड करके मत बनाया करिए। पर तू में समाप्त फरमा सदरे मोहतरम मैं पढ़ूं? जी जी बिल्कुल इरशाद पढ़िए। दादाजी भी बैठे हुए हैं, मैं आपकी दुआएं चाहती हूँ, पढ़ते हुए समाप्त फरमाए। इरशाद तुझे कितना चाहती हूँ तुझे क्या पता नहीं है। पीछे से जो लोग बैठे हुए हैं मैं आपकी भी शिरकत चाहती हूँ समाप्त फरमाए। तुझे कितना चाहती हूँ तुझे क्या पता नहीं है। पता नहीं है तुझे कितना चाहती हूँ तुझे क्या पता नहीं है। जमशेद भाई जी, 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 मुझे छोड़ कर न जाओ, मुझे छोड़ कर न जाओ, मेरी है यही गुजारिश। क्या बात है जमशेद भाई, अरे चांदनी साहब वाह 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 बहुत खूब। मेरी है यही गुजारिश मुझे छोड़ कर न जाओ, मेरी है यही गुजारिश। ऐसा ही मुशारा मिले तो किसी भी शहर को वो शेर पढ़ने की जरूरत भी ना हो। ऐसे शामिल ऐसे शामिल बहुत ही कम मुशारों में मिलते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं और जिस तादाद में यहाँ जेंट्स हैं उसी तादाद में लेडीज भी हैं। ये सतमलपुर समस्तीपुर की एक अलग पहचान है। मैं इस्तकबाल करती हूँ अपनी तमाम माँ और बहनों को, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं समाप्त फरमाया जी इरशाद तुझे कितना चाहती हूँ तुझे क्या पता नहीं है। चाहती हो तुझे क्या पता नहीं क्या है। और बिहार के लोगों ने मुझे वो पहचान दी, वो इज्जत दी, जिसकी वजह से चांदनी शबनम पूरी दुनिया में चांदनी से चांदनी शबनम हो गई। मैं बिहार वालों के हवाले से एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ समाज में। मैं क्या करूँ मैं इतनी दौलत, क्या करूँ मैं इतनी दौलत, क्या करूं मैं इतनी शोहरत, क्या करूं मैं इतनी शोहरत, क्या करूं मैं इतनी दौलत, क्या करूं मैं इतनी शोहरत। बिहार वालों मेरे पास जब जिक
जितना चाहती हो तुझे क्या पता नहीं है। और सदर साहब की भी मैं मौजूदगी चाहती हूँ, शेर में आप तक पहुँचाती हूँ। समाज फरमाए मेरी तुझसे इल्तिजा है, क्या बात है रे बाबा बा, मुझे तुझसे इल्तिजा है, मुझे बेवफा न समझो। और झारखंड गांडे से हमारे बीच हैदर भाई भी तशरीफ फरमा है। मैं चाहती हूँ एक बार आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें झारखंड से आए हुए उस मेहमान का। पढ़ती हूँ मैं समाप्त। मेरी तुझसे इल्तिजा है, मुझे बेवफा न समझो, समझो करत मतनाश जज में कोई पारसा नहीं है। तुझे कितना चाहती हूँ, तुझे क्या पता नहीं है। कितना चाहती हूँ तुझे क्या पता नहीं है। और मक्ते का शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेती हूँ। पढ़ती हूँ समाज फरमाए इरशाद इरशाद बहुत हो बहुत हो। क्या कहना रे भी नहीं है कोई किसी का, ये जमाना है फरे आइए चांदनी सनम साहिबा, देखिए इस तरह इनको प्यासा छोड़ के मत जाइए। मैं आपको बता दूं कि अगर ये संजीदगी के साथ सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे ये मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, आपके शेर को नहीं सुन रहे हैं, बल्कि ये बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको समाप्त कर रहे हैं। मैं इनकी समाप्त को सलाम करता हूँ। सतमलपुर वालों चांदनी सनम साहिबा के लिए एक मतबर जोरदार तालियां आप बजा दें। आइए दोबारा चांदनी शबनम की अश्क अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट पलट देखा, वरना सूरज को दोबारा नहीं देखा जाता। ये है चांदनी शबनम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जान नहीं रही थी, बस मैं ये देख रही थी कि आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं। कभी बीच बीच में आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया करें, प्लीज मेरा दिल रुक जाता है जब आप खामोश हो जाते हैं। तो पत्तियों में समाप्त फरमाए जी जी इरशाद। बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा बेदार हैं, लेकिन आगे के जो लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर आगे बैठे हैं तो चुपचाप बैठ के देखे ही ना, दाद भी देना है भाई आपको। पत्तियों समाप्त फरमाए लिखी थी ने जो मिलकर। अरे बाबा जमील भाई, क्या अंदाज़ ये वीडियो बिल्कुल अलग होगी ना, एक अलग पहचान सतमलपुर समस्तीपुर की, एक अलग वीडियो होगी माशाल्लाह। पढ़ती हूँ मैं समाप्त फरमाए लिखी थी हम ने जो मिलकर कहा चांदनी जवाब नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलते कहानी वो अधूरी है, जवानी भी अधूरी है, बुढ़ापा भी अधूरा है, जवानी
चाची सबनम साहिबा कहीं आप गिरफ्तार ना जाएं। जब बुढ़ापे के तस्करा आपने किया तो हमारे चाचा आपको कैद कर रहे हैं, कैमरे में वीडियो आपकी बना रहे हैं, ये जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस मुशायरे में चार चांद लगा रहे हैं हमारे चाचा स्टेज पर बैठ कर। मुशायरा को अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अकेली तनहा इस मुशायरे में वो कोई नाजिम है नहीं? नहीं नहीं, इतना खूबसूरत पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं चाहती, अगर मैं बोलूंगा तो फिर आपकी गजल खराब हो जाएगी। इतनी खूबसूरत अंदाज में मैं सुन रहा हूँ कि जवाब नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुशायरा की दाद मुझे मिल रही है, पट्टी में समाप्त फरमाए। लिखी थी हम ने जो मिलकर कहानी वो अधूरी है, बुढ़ापा भी अधूरा है, जवानी भी अधूरी है। मेरी तबीयत खराब है, गला मेरा खराब है, मैं थोड़ा सा इसे ठीक ना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह ये कलाम मुकम्मल कर पाऊंगी। पढ़ती हूँ मैं समाप्त। जी इरशाद। चलो ये अब बताओ तुम, वाह अरे वाह, भुला दे किस तरह, क्या प्यारा अंदाज है, वाह ओहो। चलो ये अब बताओ तुम, भुला दे किस तरह सब कुछ जो दी थी प्यार में सारी निशानी भी अधूरी है, क्या बात है, जो दी थी प्यार में सारी निशानी भी अधूरी है। और मैं फिर आप तक पहुंचाती समाज फरमाए। इरशाद इरशाद बहुत खूब। भी तड़पता है, अरे वाह 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 क्या प्यारा है भाई, इधर मैं भी तड़पती हूँ, ये हुई बात। काशी साहब मैं आपकी दुआएं चाहती हूँ, पत्ती में समाज फरमाए। उधर अधूरा है दीवानी भी अधूरी है, दीवाना भी अधूरा है, दीवानी भी अधूरी है, वाह क्या कहना, वाह 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 बहुत खूब। इससे पढ़ो पत्तियों में समाज फरमाए। इरशाद इरशाद। थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो एनर्जी जो है ना वो बढ़ती जाएगी, वरना ये घटती ही जाएगी। उधर वो भी तड़पता है, इधर मैं भी तड़पती हूँ, दीवाना भी अधूरा है, दीवानी भी अधूरी है, दीवाना भी अधूरा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक नया कलाम आप तक पहुंचाती हूँ समाप्त फरमा। वो भी हद से गुजर जाएगा, वो भी हद से गुजर जाएगा। दिल भाई पढ़ती हूँ मैं समाप्त फरमा। वो भी हद से गुजर जाएगा, मैं भी हद से गुजर जाऊंगी, वो भी हद से गुजर जाएगा, मैं भी हद से गुजर जाऊंगी, वो भी हद से गुजर जाएगा, मैं भी हद से गुजर जाऊंगी,
क्या बात है आपने। झील के उस तरफ हो झील के इस तरफ मैं क्या कहना। अरे वाह 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 बहुत अच्छा, फिर इसको पढ़िए। वाह झील के उस तरफ वो निखर जाएगा, इस तरफ मैं सवर जाऊंगी, उस तरफ वो निखर जाएगा, इस तरफ मैं सवर जाऊंगी, वो भी छत पर उतर जाएगा। चांदनी सरनम साहब जब छत पर उतरने की बात करें तो जमशेद भाई मुस्कुरा रहे हैं, उनसे कह रहे थे तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और मुंतजिर हूं सितारों की कभी आंख लगे चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशारा, काफी देर से मैं देख रही हूँ बीच बीच में बोल रहे हैं, इनको उठा के साइड में बिठा दिया जाता है लेकिन तब भी ये बीच बीच में बोलते रहते हैं। चार दूसरे अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं इन्हें जवाब दूँ। बिल्कुल 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 पढ़िए चार पढ़िए, मैं भी चाह रहा हूँ कि आप बोले कुछ। जी इरशाद, मुझको कम तरह समझने वाले सुन जी, मैं तुझे लाजवाब कर दूंगी। मुझको कम पर समझने वाले सुन, मैं तुझे लाजवाब कर दूंगी, मेरा नाम आया जिसके दिन में तेरा सारा हिसाब। अरे वाह, तब चांदनी मुझे भी कहना है कि हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। अरे चांदनी हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रही हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक टिकट में दो शो देखने को मिल रहा है, क्या बात है चांदनी की जवाब नहीं। वाह 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 वाह, वही बता रहे कि एक टिकट में दो शो देखने को मिल रहा है, मैं इनको जवाब बहुत 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 अच्छी चांदनी सपनम। दर्द दिल यूं छुपाया न कर, दर्द दिल यूं छुपाया न कर, बेसबब मुस्कुरा बिल्कुल। देखिए अब बेदार हुए हैं, यही चाहते थे ये। हाँ पढ़िए चाहते पागल तो बन ही जाएंगे क्योंकि होठों को तेरे हम तो कमल कहते रहेंगे, होठों को तेरे हम तो कमल कहते रहेंगे, अरे चेहरे को तेरे ताजा गजल कहते रहेंगे। तू अपना हमेशा जहां समझे न समझे, हम तो तुझे मुमताज महल कहते रहेंगे। यह है चांदनी शबनम, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चांदनी, बहुत खूब लाजवाब है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस तरीके से सवाल और जवाब देखा दिया जाएगा तो जो मियाद इस मुशायरे का था वो टूट जाएगा। जय जय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब भाई। हर अंदाज उनका प्यार है, चाहती नहीं हूं कि वो जो अदब है वो टूटे क्योंकि मेरी माँ और बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है। जी जी इरशाद, पाकीज़ा गज़ल जो आपके बीच पढ़ रही थी मैं चाहती हूँ वो मुकम्मल कर पढ़ती हूँ मैं समाप्त फरमाए। जी इरशाद, झील के उस तरफ हो
तरफ मैं समर जाऊंगी, उस तरफ वो निखर जाएगा, इस तरफ मैं समर जाऊंगी। और कारी राशिद साहब, मैं आपकी दुआएं चाहती हूँ। हाजी साहब, मैं आपकी दुआएं चाहती हूँ। एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ। मैं भी इंसान होकर दरगुजर मेरी सारी खता। क्या बात है, वाह। मैं भी इंसान होकर दरगुजर मेरी सारी खता। तू जो नाराज होगा तुम्हें, बहुत खूब, जिंदाबाद। चांदनी के हर एक पात को भूल कर भी भुलाना नहीं, दूर मुझसे अगर तू हुआ, वाह, टूट कर मैं बिखर जाऊंगी। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। मुझसे अगर तू हुआ, टूट कर मैं बिखर जाऊंगी। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा। दोस्तों देखिए, मुझसे सवालों जवाब का सिलसिला जारी था, और हकीकत यह है कि इनकी गजल और इनके अशआर जो है बड़े उम्दा थे। इनके अशआर को सुनकर मुझे ये कहना ही पड़ेगा दिल साहब कि चांदनी का वो चांदनी का बदन, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। और चांदनी उतर भी आओ कभी यासमा के जीनों से, उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। दोस्तों मेरे लिए नहीं, देखिए इनको ये शेर समझ में आ गया। इनको मैं बता रहा हूं कि मेरे लिए नहीं भैया, मेरा तो जो होना था हो गया। हसनपुर वालों, आपके लिए, आपके मुशायरे के लिए मैंने ये बात कही है। आइए हजरात-ए-गिरामी।